have same molecular formula. Tautomers have same molecular formula. Tautomers have same molecular formula. वही चीज़ है सेम नहीं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हाँ ये एक वही है सेम मॉलिक्यूलर बैंडिंग बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला ठीक है ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन आयन का माइग्रेशन होता है यहाँ पे ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन बिटवीन टू एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल ठीक है हाइड्रोजन एटम देखा रही जैसे हाइड्रोजन एटम बिटवीन टू एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल ठीक है ये कैसे राइज होता है माइग्रेशन के कारण राइज होता है लोअर सेडिमेंटेशन साइज की ठीक है और डिस्मोर्फिज्म मींस होता है बॉन्ड टर्निंग डिस्मोर्फिज्म एक बॉन्ड होता है तो क्या होता है बॉन्ड टर्निंग सर इसके नीचे बिटवीन एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल की टू एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल बिटवीन एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल इसे एग्जांपल के देखो CH2S में सी डबल बॉन्ड ओ है या ऐसे इसमें कैसे होता है ये वाला ये टूटेगा तो माइनस होगा प्लस होगा यहाँ से ये ब्रेक होगा ठीक है ये वाला प्लस के रूप में ऐसे तो इसका ट्रांसफर यहाँ से यहाँ हो जाएगा CH2C OH हो जाएगा ये यहाँ से छोड़ो ऐसे ये हमेशा एक दूसरे इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं जैसे यहाँ से प्लस निकला ये प्लस निकल चुका है बांध टूट चुका है इसका मतलब बांध टूटना ये बांध जा करके यहाँ पे जुड़ जाएगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा ठीक है क्योंकि माइनस है प्लस वहां निकला इसका सिर्फ एक ही बांध टूटा पर इसका दो बांड में से टूटा समझ गए तो इसके पास एक बांड अभी भी है ये माइनस है ये प्लस जाके इसके साथ जुड़ गया ठीक है ये कीटो फार्म था कीटो इसको बोलते हैं कीटो देखो इसमें कीटोन है इसमें इन है ऑल है इसको इनॉल बोलते हैं ये कीटो और इनॉल हुआ कीटो और इनॉल का यही मतलब होता है ठीक है कीटो एंड इनॉल तो कार्बोनिक कंपाउंड कौन शो करते हैं इसके बारे में बात करते हैं अच्छा एक दो और देख लेते हैं कंडीशन फॉर टॉटोमेरिज्म टॉटोमेरिज्म के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए सबसे पहला कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए शुड हैव एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है अगर एक अल्फा हाइड्रोजन कम से कम होगा तभी ये शो करेगा अदरवाइज ये शो नहीं करेगा तो इसके बारे में अभी देखते हैं हम लोग आगे कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए जरूरी है कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है इसको समझो जैसे फंक्शनल ग्रुप मान लो ऐसे कार्बन है कोई फंक्शनल ग्रुप है ये अल्फा हाइड्रोजन है बीटा हाइड्रोजन है गामा हाइड्रोजन है डेल्टा फंक्शनल ग्रुप जिससे OH हो गया या कुछ भी है तो इसमें कम से कम फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन पे एक हाइड्रोजन होना चाहिए क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला है ये फंक्शनल ग्रुप था इसके बगल वाला कार्बन जो है यही से हाइड्रोजन माइग्रेट होता है तो कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए ठीक है अब देखो इसमें कौन कौन शो करता है जैसे CH3 है सी डबल बॉन्ड वो है या अच्छा क्या इसको करेगा कितने अल्फा हाइड्रोजन है ये भी गिन के बताओ ये हो गया CH3 सी डबल बॉन्ड को CH3 ठीक है क्या इसको करेगा इसको बताना है आप लोगों को तीसरा है PH है सी डबल बॉन्ड वो है CH2 PH है चौथा है PH मतलब फेनिल मतलब एंजीम होता है ऐसे पीएच जहाँ पर लिखा रहे इसका मतलब आप समझिए बेंजीन है बेंजीन यानी कि पीएच समझिए
फेनिल, फेनिल से शो करते हैं इसको, बेंजीन को फेनिल से। तो पी एच सी डबल बॉन्ड ओ पी एच, तो इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, गिनो फंक्शनल ग्रुप ये है ना, इसके बगल ताबा अल्फा कार्बन है, तो कितने हाइड्रोजन है उस पर, तीन है, तीन अल्फा हाइड्रोजन है, ये शो करेगा। इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है, ये छह है, इस वाले में दो है, बेंजीन में तो एक भी नहीं होता ना, दो अल्फा हाइड्रोजन, ये भी शो करेगा, ये जीरो अल्फा हाइड्रोजन, ये नहीं शो करेगा, काट भाई जो इधर कौन शो करेगा कौन नहीं इसको देख सकते हम लोग, सर इधर चार नहीं, कैसे चार होगा, इसमें तो एक भी नहीं है, इसमें यहाँ पे नहीं, ये जब तक अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता जब तक अल्फा कार्बन ना हो, अल्फा हाइड्रोजन के लिए अल्फा कार्बन होना जरूरी है, तो अल्फा कार्बन भी नहीं है केवल हाइड्रोजन है, तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। सर ये पहला बार समझ में नहीं आया सर, फिर अल्फा हाइड्रोजन कैसे होगा, तुम ज्यादा सुनते नहीं ना, इसलिए इसलिए यहाँ क्या बताया सर बताओ, चारों बनाए थे फिर जो जो अरे इतना रिजल्ट है बोलो क्या होता है, देखो फंक्शन ग्रुप है इसको भगवान का अल्फा कार्बन, इस पर हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर इस वाले में ये फंक्शन ग्रुप है इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसमें जितना हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, सिंपल कॉन्सेप्ट है उसमें क्या, ध्यान सुना कर बस, तो तीन अल्फा हाइड्रोजन इसलिए था, इसमें ये फंक्शन ग्रुप है तीन उधर तीन उधर, अच्छा हो गए ठीक है। अभी और हिस्सा लिख है तुम लोग बताओ दे, तो शो करेगा नहीं शो करेगा ये बताना है, ये लिखिए ना क्या लिखिए थे, वेरी गुड बता दिया करो जो मिटाया करें तो नहीं लिख रहे हैं और मिटाने की बात नहीं। अच्छा और मैं लिख रहा हूँ इसमें सी एस थ्री सी एस सी एस थ्री सी डबल वन ओ एच, ये है पांचवें नंबर का, ऐसे छठे नंबर पर लिख रहा हूँ, एक लिख चुका था सी डबल वन ओ एच सी एच ओ, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ भी ये सब हाइड्रोजन ठीक है। इनमें भी आपको बताना है कौन शो करेगा कौन नहीं शो करेगा। ठीक है इतना बताना है। ठीक है तो करेगा कितना अल्फा हाइड्रोजन होगा पहले, जैसे फंक्शनल ग्रुप हो गया इससे जुड़ा अल्फा कार्बन सिर्फ एक है, तो एक अल्फा कार्बन कितने हाइड्रोजन, एक है एक अल्फा हाइड्रोजन, वन अल्फा हाइड्रोजन पहले वाले में, इसमें वन अल्फा हाइड्रोजन एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, देखो ये वाला फंक्शनल ग्रुप हुआ, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन क्योंकि ये वाला बीटा हो जाएगा, ये वाला बीटा हो जाएगा, तो अल्फा कार्बन एक है, जब एक अल्फा कार्बन है तो एक अल्फा हाइड्रोजन, एक अल्फा हाइड्रोजन है और ये शो करेगा, इस पर जीरो अल्फा हाइड्रोजन है, तो फंक्शनल ग्रुप है बेंजीन में तो होते ही नहीं है, हाँ ये नहीं शो करेगा, इसमें तीन अल्फा हाइड्रोजन है ये शो करेगा, इसमें दो है और इधर तीन है, पांच अल्फा हाइड्रोजन है ये शो करेगा, ये वाला भी करेगा, यहाँ पे चार अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाले में है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि नोन है ये ऐसे यहाँ पे भी बनना चाहिए था, चलो तो अच्छा नहीं बना है, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ऐसे रहेगा तो शो करेगा, लेकिन प्रॉब्लम जैसे किताब में दिया है वो थोड़ा दूसरे तरह दिया होगा, हाँ दिया है दूसरे तरह हम वही, तो ये वाला तो शो करेगा, अगर ये वाला ऐसे बदल दो, ये ओ है ये ओ है, यहाँ पर एच है यहाँ भी एच है यहाँ भी एच है यहाँ भी एच है, तब ये नहीं शो करता है, रीजन ये है कि
sp2 हाइब्रिड कार्बन का हाइड्रोजन टाटोमेरिज्म भाग नहीं लेता है, हिस्सा नहीं लेता है, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम sp2 हाइब्रिड कार्बन, इसको नोट करने वाली बात ये है, डू नॉट टेक पार्ट इन टाटोमेरिज्म, ये टाटोमेरिज्म में हिस्सा नहीं लेता, डू नॉट टेक पार्ट इन टाटोमेरिज्म। अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम sp2 हाइब्रिड कार्बन डू नॉट टेक पार्ट इन टाटोमेरिज्म, ये टाटोमेरिज्म में हिस्सा नहीं लेता है, इस बात को ध्यान रखते हुए इसको नोट कर लीजिए। शो करेगा कि नहीं करेगा, अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लेगा फॉर नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड शो करेंगे नहीं इसके लिए, फॉर नाइट्रो कंपाउंड शो करेंगे नहीं इसके लिए भी वही कंडीशन है, कौन सी कंडीशन है, अल्फा हाइड्रोजन वाली, ठीक है। तो फॉर नाइट्रो कंपाउंड इसमें है, नाइट्रो कंपाउंड में एटलीस्ट 1 और 2 हाइड्रोजन, नाइट्रो कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट 1 एक्टिव हाइड्रोजन, 1 एक्टिव हाइड्रोजन इसको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, नाइट्रो कंपाउंड शुड हैव एटलीस्ट 1 एक्टिव हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन, कम से कम इनको एक अल्फा हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन इनको भी रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कई कंपाउंड है इस तरह के जिनके बाद लोग बात करते हैं, CH2 है, यस N डबल बॉन्ड O, यहाँ से ये हाइड्रोजन जाएगा और इन सबके किसी के साथ जुड़ेगा, जैसे यहाँ पे हम इसको तोड़ रहे हैं इस तरह से, यहाँ पे बांध तोड़ेंगे तो ये इस तरह टूटेगा, तो ये CH2 NOH और ये इस तरह से, ठीक है। यहाँ से हाइड्रोजन माइग्रेट कर रहा है, ये प्लस है, यहाँ माइनस है क्रिएट, यहाँ पे जाकर के ये जुड़ जाएगा CH2 NH इस तरह से। एसी नाइट्रो फॉर्म है, एसी नाइट्रो फॉर्म इसको बोलते हो, एसी नाइट्रो फॉर्म, और ये एसिडिक है, हेंस सोलुबल इन बेस, हेंस सोलुबल इन बेस, इससे सोलुबल है किस में, बेस में, एसिडिक फॉर्म है इसलिए, ये नाइट्रो फॉर्म है वो एसी फॉर्म है, ठीक है, इसलिए बेस में सोलुबल है। ऊपर ले रहे हैं तो पहले लिख लिया ऊपर इधर ठीक है, और इनाम कंटेंट देखना है, लेकिन इससे पहले हम लोग एक चीज और ट्यूशन देखते हैं, ऐसे ट्यूशन बनते हैं इसमें ना जैसे सामान नहीं पाओगे कहाँ से लगेंगे, फल लगते कहाँ से है टाइटोमेरिज्म के बेस पे, जैसे विच आर द फॉलोइंग, विच आर द फॉलोइंग, विच आर द फॉलोइंग इज सोलूबल, विच आर फॉलोइंग इज सोलूबल इन NaOH, NaOH में कौन सोलूबल है ऐसा पूछते हैं, pH NH2 सॉरी लिखो एक pH CH2 NO2 ये है, तीसरा है CH3 का होल था इस थ्री NO2, चौथा है नन, कौन सा ऐसा है जो NaOH में सोलूबल है, ठीक है। ये यहाँ का प्रॉब्लम हो जाता है, यहाँ के बेस पे लगने लगता है, ठीक है, यहाँ पे बेस लगता है, तो कौन सा इसमें सोलूबल है यूनिवर्स में, लिख लीजिए, बोल दिएगा मैं तो कौन सा कर रहा है, कुछ आ लिखना होगा तो लिखो थोड़ा, कुछ आप फॉलो सोलूबल यूनिवर्स में कौन सा सोलूबल होगा, ठीक है। अच्छा बहुत लोगों ने लिखा है, कोई बोला नहीं था, यूनिवर्स किसमें सोलूबल नहीं होगा या किसमें सोलूबल होगा, क्या कंडीशन है, पीछे देखे थे ना जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वही टाटोमेरिज्म शो करेगा, वही एसी फॉर्म बनाएगा, और जो एसी फॉर्म बनाएगा दूसरा वही सोलूबल होगा, दूसरा वाला है आंसर, क्योंकि इसी में अल्फा हाइड्रोजन है बाकी किसी में नहीं होगा, आंसर 2 है, ओनली सेकंड इज सोलूबल इन NaOH, क्योंकि इसमें ये शो करेगा टाटोमेरिज्म, जो टाटोमेरिज्म शो करेगा वही सोलूबल होगा, सर 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 तीसरा वाला क्यों नहीं है सर, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसमें, अपन नहीं पा रहा लड़का भी हो, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इसमें,
कार्बन के साथ एक ऐसा हाइड्रोजन डबल जैसे ये जोड़ोगे ना ऐसे बीटा हाइड्रोजन हो ऐसा ये है ये बीटा है ये बीटा है ये बीटा है फिनॉल कंटेंट किस पर डिपेंड करता है पहली बात तो फिनॉल कंटेंट दो चीजों डिपेंड करता है फिनॉल कंटेंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ फिनॉल कीटोइनॉल इसमें बनता है ये कीटोइनॉल ऑसमेजम तो इसमें नंबर ऑफ सीओ बॉन्ड सीओ की संख्या पे कितने सीओ है दूसरा फिनॉल कंटेंट डिपेंड करता है फिनॉल कंटेंट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे ये दो चीजों डिपेंड करता है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O यह चार को आपको अरेंज करना है ठीक है तो देखते हैं इसमें कैसे कैसे आएगा तो पहले आप नोट कर लेते तो सही था हम इसे नोट कर लेंगे पूरा समझ रहे हैं इनॉल कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग तो अभी देखे थे ना कि जो इनॉल का कन्वर्जन होता है ना इसमें फॉर्म इनॉल चेंज हो जाता है शुरुआत में एग्जांपल तो किसमें इनॉल कंटेंट ज्यादा है ऐसा सवाल पूछा गया है तो पहली बात तो सीओ देखेंगे दोनों में सीओ संख्या तब क्या देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे ठीक अल्फा हाइड्रोजन इसमें कितना है इसमें छह तो ज्यादा किसका होगा समझ में आ गया होगा ठीक और इससे ज्यादा किसका होगा इसका होगा क्योंकि यहाँ पे दो दो है उससे ज्यादा उसमें हाँ अब जब दो दो है तो इसके साथ में इसमें दो दो है फिर अल्फा हाइड्रोजन देखते थे इसमें कितना अल्फा हाइड्रोजन है पांच पांच है इसमें आठ है इसमें आठ है तो सबसे ज्यादा फिर किसका हुआ इसका फिर इसका ऐसे ऐसे स्वभाव मैं पूरा लिख दे रहा हूँ डिटेल इसके नीचे छोटा छोटा तो इसमें वन सीओ बॉन्ड है तीन अल्फा हाइड्रोजन इसमें भी वन सीओ बॉन्ड वन कीटो बॉन्ड है और छह अल्फा ठीक है टू सीओ बॉन्ड दो सीओ बॉन्ड है और कितने अल्फा हाइड्रोजन पांच अल्फा हाइड्रोजन टू सीओ बॉन्ड और आठ अल्फा हाइड्रोजन तो इसीलिए जो है इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा फोर्थ में फिर थर्ड में फिर सेकंड में फिर फर्स्ट में ऐसे ऐसे इसको अरेंज किया गया है ठीक है तो ये इनॉल कंटेंट साथ ही खत्म ही हो जाता है और इम्पॉर्टेंट है हो सकता है आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हो पंचवर्णा की जरूरत नहीं है इसलिए ठीक है ये आगे दिए बार बार आपको टाटू में एग्जाम वर्ड मिलता रहता है तो उससे निपटने के लिए हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया क्यों अराइज होता है ये माइग्रेशन कारण कोई एक ग्रुप कोई एक समूह एक जगह से दूसरे को माइग्रेट करता है जैसे बार हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था कभी भी तो वो कुछ ना कुछ माइग्रेट करता है इसमें जैसे इस तरह का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था ये कैसे माइग्रेट किया था सी एच टू एच ऐसे लिख सकते हैं आप सी एच टी को सी डबल बॉन्ड ओ एच ऐसे तो ये यहाँ पे टूटेगा ठीक है ऐसे यहाँ पे ये माइनस हुआ ए प्लस हुआ और ये प्लस हुआ ये माइनस हुआ तो यहाँ से कैसे टूटेगा ये सी एच टू हो जाएगा और ये वाला जो प्लस टूटेगा ये प्लस टूट रहा है
ये प्लस जो है जाए करके यहाँ पे जुड़ जाएगा ओ एच हो जाएगा, और यहाँ ये बैलेंसी खाली, यहाँ के बैलेंसी खाली, क्योंकि यहाँ बार तोड़ थे, ये हो जाएगा यस। अब देखो ये पहले क्या था, कीटोन ग्रुप था, यहाँ पे कीटो ग्रुप था सीओ, अब किसका चेंज हो चुका है, इन ये इसको इन बोलते हैं, इसको आल बोलते हैं लगाते हैं ना, याद होगा ये इनॉल हो गया, कीटो इनॉल, इसलिए कीटो से इनॉल में ये कन्वर्जन होता है टोटल, और इसलिए इनॉल कंटेंट का पूछता है किसमें इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा, यानी कौन अच्छे से टाइटोमेरिज्म शो कर रहा है। तो इस तरह के आंसर हम लोग यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे, जरूर पढ़ लेता हूँ। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद जो मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म ऊपर ग्राफ करें, ऊपर ग्राफ कर देते स्टीरियो आइसोमेरिज्म, टू आर मोर देन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, टू आर मोर देन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, टू आर मोर देन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट, बट डिफरेंस कहा जाता है, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, बट डिफरेंट स्पेशियल स्पेशियल अरेंजमेंट, स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट हो रहा है, स्पेशियल अरेंजमेंट मतलब आकाशीय व्यवस्था, ठीक है, डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट होता है, जिसे किसी खबर में लटकाए हो कई तरह लटका सकते हो, उसका पैर ऊपर करके लटका सकते हो, पैर नीचे करके, तो स्पेशल स्पेस में अरेंजमेंट डिफरेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, टू मोर देन टू आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम मॉलिक्यूलर वेट बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, जैसे ये है सी है, सी एस थ्री है, सी एस थ्री है, एच है, इधर एच है, हमें देखना है ऐसे, मतलब इसके पैरेलल देखते हैं, एस एस सी है, सी एस थ्री है, देखो यहाँ पे सी एस थ्री है, एच है, एच है, हर एग्जाम्पल के तौर पर ये देख सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग सिस ब्यूटीन, ये हो गया ट्रांस ब्यूटीन। अरेंजमेंट देखिए अलग अलग है, अरेंजमेंट अलग तरीके से, एक में दोनों साइड सी एस थ्री है, एक में सी एस थ्री साइड है, साइड दूसरे साइड है, तो ये स्पेशल स्पेस में अरेंजमेंट, स्पेस में जिससे मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट स्पेस में है, इसमें मतलब खाली जगह कहीं भी हो सकता है, जैसे स्पेशल मेरा स्पेशल अरेंजमेंट ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ट्रांस हो सकता है, ठीक है, तो स्पेशल अरेंजमेंट स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से हो, तो वही होता है, वही शो करते हैं स्टूडियो वाइस में। जब दो तरह होता है, ज्योमेटिकल हो सकता है और कौन सा हो सकता है, ऑप्टिकल, वैसे कन्फर्मेशनल भी इसी में कैटेगराइज कर रहे हैं अभी, समझिए दो तरह का होता है, तो ज्योमेटिकल आइसोमेरिज्म पहला हेडिंग डाल के पढ़ा जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, कौन शो करते हैं, इनके बारे में हम लोग देखते हैं, एल्किन शो करेंगे या ऑक्सीन शो करेंगे, एजो कंपाउंड शो करेंगे, एल्किन ऑक्सीन एजो कंपाउंड, एजो कंपाउंड एल्किन शो करते हैं, एल्किन शो करते हैं, ऑक्सीन शो करते हैं, और एजो कंपाउंड, ये चीज यहां पर सही कर लेना, सी एन है, सी एजो कंपाउंड सो जी आई ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट, ये समझा रहा हूं सुचित बना के क्या होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सर, इसका तो वीडियो भी है ना, जी आई ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, ये शो करते हैं तीनों। अब साइक्लोएल्कीन भी शो करती है, साइक्लोएल्कीन क्या शो करती है,
साइक्लोएल्केन, सॉरी साइक्लोएल्केन सो जीआई, ये जो मेडिकल आइसोमर जिम जो शुरू करता है ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के अबाउट जो है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का है इसको करता है। अभी इसको मैं समझाता हूँ ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वर्ड आ रहा बाबा है क्या चीज, तो इसको क्लियर करते हैं पहले, तब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका वीडियो नहीं होगा मतलब मैं बना नहीं हूँ अपने से, किसी और का हो सकता है, बहुत लोग बनाते रहते हैं लोग आते हैं तो एक पूरा पाउच उनका खाली कर देते हैं, इसलिए पहले खाली पाउच आगे रखते हैं। सर वो सर कल भी वीडियो बनाया था ना, कल उसे डाले थे यूट्यूब पे, अरे आप कोशिश किए नहीं हो पाया, आज अभी करेंगे, आज सर आज तो आज मिल जाएगा तुम्हें 12 बजे से पहले, और घर ही में रहेंगे आज हम, आगे देखते हैं इसको। देखिए हो गई डिफिनेशन, ये रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होता है पहले इसको समझाते हैं, ठीक है। देखो जैसे ये है, ये है एक सिंगल बॉन्ड वाला केस है, ये है मान लो सिंगल बॉन्ड का केस, इसको चार तरफ घुमाओगे, इसको चार तरफ का मान लो घुमा रहे एक तरफ, चार तरफ घूमने के लिए फ्री है, इसको बोलते हैं फ्री रोटेशन, जैसे वो गर्मी में पंखी नहीं घुमाते हो, ये फ्री रोटेशन है, ये रोटेशन करेगा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री रोटेशन करेगा। लेकिन अगर ऐसा कभी किसी सिचुएशन आ जाए डबल बॉन्ड वाली, कार्बन कार्बन है डबल बॉन्ड उसके साथ अगर जोड़ दिए एक से एक दो बार, अब इसको दो तरफ पकड़े भी है, अब इसको घुमा रहे हैं, क्या घूमेगा फिर नहीं घूम पाएगा, अगर ऐसे पकड़े हैं इसको घुमाना चाहिए आप रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं कर पाएगा, मतलब फ्री रोटेशन नहीं कर पाएगा, फ्री नहीं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन करेगा, जैसे यहाँ पर दो जगह स्लॉक है फिर घुमाओगे नहीं घूमेगा, तो ये हो जाएगा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। सिंगल बॉन्ड फ्री रोटेशन करेगा, लेकिन डबल बॉन्ड क्या करता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन मतलब रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट मतलब प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड मतलब मना हो वो चीज करने से, ये घूम नहीं सकता है, जैसे यहाँ पर दो चीजें हैं दो बाउंड्री वाले, अब इसको घुमा से कामों कामों को नहीं घूमेगा, फ्री रोटेशन नहीं करेगा, इसलिए इसमें शो होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो हर जगह डबल बॉन्ड है, ये जीआईएस को करता है स्पेस में ही अपना अरेंजमेंट कर लेता है क्योंकि घूमने के लिए फ्री नहीं है। लेकिन ये वाला जो है साइक्लोहेक्सेन साइक्लोएल्केन सॉरी साइक्लोएल्केन, देखो यहाँ से भी लॉक है यहाँ से भी लॉक है दो जगह से फ्री मूव करने के लिए, ये बॉन्ड घूमने के लिए फ्री मूव करने के लिए फ्री नहीं है क्योंकि ये दो दो जगह से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यहाँ से भी लॉक यहाँ से भी लॉक, कोई भी घुमाओ कोई भी बॉन्ड नहीं घूमेगा, तो ये क्यों शो करता है ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कामा कामा सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के चारों तरफ ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का ये शो नहीं करता है। ये इसको चाहे तुम फिगर बस बना सकते हो फिर रोटेशन रोटेशन क्या होते हैं समझने के लिए। ये रखता है क्या नीचे वाला? नो सर वो सबसे नीचे का मत कीजिएगा सर, ठीक है जी आई इन एल्केन्स कंडीशन, ठीक है HSP2 हाइब्रिड कार्बन शुड हैव डिफरेंट ग्रुप्स, ये तो साइक्लो एल्केन्स शुड हैव डिफरेंट ग्रुप्स, ईच sp2 हाइब्रिड कार्बन शुड हैव डिफरेंट ग्रुप्स, हर एक sp2 हाइब्रिड कार्बन कैसा ग्रुप होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए अलग-अलग होना चाहिए इसको शो करने के लिए। तो पहले इसको फिगर बना लीजिए फिर इसको मैं तब तक रखता हूँ और बनाता हूँ आगे, ठीक है। ईच sp2 हाइब्रिड कार्बन शुड हैव डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक
जैसे ये कार्बन है, यहाँ पर जो ग्रुप हो वो अलग होना चाहिए, दोनों अलग अलग होना चाहिए, यहाँ भी दोनों अलग अलग होना चाहिए। अब ये नहीं कहोगे ये सेम है, नहीं, कंडीशन यहाँ था ईच एस पी टू हाइब्रिड कार्बन, इस पर अलग अलग होना चाहिए बस, ठीक है। अब जैसे बहुत जैसा एग्जाम्पल हमारे पास ये शो करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, कौन शो करेगा कौन नहीं शो करेगा ये बताना था, सी एस थ्री में यस, सी एस थ्री में यस करेगा नहीं करेगा। ये वाला यहाँ पर सेम ग्रुप, ठीक है सर। पहली बात तो कौन एल्किन शो करेगा कौन नहीं शो करेगा यही जानना जरूरी है, तभी तुम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। अच्छा सर, मतलब ये ना कि ये सीएन है, ये बीआर है, ये सीएन है, ये एस है, क्या ये शो करेगा? यस सर, क्योंकि यहाँ पर देखो हर एक डिफरेंट है, ये शो करेगा, सीएन है, सी एस थ्री है, यहाँ पर कोई ग्रुप जोड़ दो तुम सी एस थ्री, सी एस थ्री, क्या इसको करेगा? नहीं करेगा सर, नहीं करेगा, जो सेम ग्रुप आ गया। तो यही सिचुएशन होनी चाहिए, ईच एसपी2 हाइब्रिड कार्बन शुड हैव डिफरेंट ग्रुप, हर एक एसपी2 हाइब्रिड कार्बन पर जो ग्रुप होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग ग्रुप होंगे तो शो करेगा, अदरवाइज इसको नहीं करेगा। तो ये जी आई कंडीशन लिख लीजिए, तब आगे चलते हैं लोग। अपोजिट साइड ये होगा ट्रांस। हमें देखना कैसे होता है, ऐसे देखना होता है, मतलब हमारी आंखें यहाँ होनी चाहिए ऐसे, सेम ग्रुप इसके अगल बगल देखते ऐसे लाइन के, मतलब बांध के पैदल लाइन के ऊपर नीचे देखते देखने में तो नहीं बनेगा। नहीं, बनने वाला केस अलग है, बनने वाला एसपी टू हाइब्रिड कार्बन को देखेंगे, पर हमें सिक्स ट्रांस ऐसे देखना है, बनने वाला तो कार्बन वाइज देखेंगे ना, इस कार्बन पे दोनों अलग अलग है, इस कार्बन दोनों अलग अलग है, ठीक है। सेम ग्रुप सेम साइड तो सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड तो ट्रांस, ऐसे प्रॉपर्टीज आप सिक्स ट्रांस इस बुक में भी ले लिया है और किताब में ले लिया है, फिर भी इंक्लूड कर लेते हैं थोड़ा सा। स्टेबिलिटी वॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सर, हाँ टाइम रोज होता है, चल रहे रोज जाओ स्टेबिलिटी आपकी गली में, हाँ वो तो हो जाता है समझ पर खैर बोल लो मैं बोल रहा जी सर। तो देखो यहाँ पर ये सिस और ट्रांस में किसका ज्यादा है, ये ट्रांस का यहाँ ज्यादा है, ट्रांस का यहाँ ज्यादा है, ठीक, और बाकी किसका ज्यादा है, सिस का ज्यादा है, ऐसे एक जनरल ओवरव्यू, क्योंकि एनसीईआरटी में ज्यादा मेंशन नहीं है, मेंशन ही नहीं है, फिर भी कहीं कहीं जब बार जरूरत हम लोग को पड़ जाती है ये, ठीक है। एक बार इसको क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ, तब इसके बाद आप नोट करना चाहें नोट करते रहें।
एक जगह और आपको चिन्ह करना पड़ेगा, पोलराइजेशन का केस भी जो है सिर्फ और ट्रांस में, ट्रांस में ज़्यादा पोलर नहीं, ट्रांस में जीरो हो जाएगा, ऐसे ही इसको करें यहाँ पर चेंज है बस अभी सही हाँ बेहतरीन का क्रास है किसी लिए किया कहीं इधर उधर हो तो सही कर दें। इजेट सिस्टम आप शुरुआत करके छोड़ देंगे फिर अगली क्लास पढ़ेंगे इजेट सर देखिए लिखा देखो तो बेहतर होगा तुम्हें अपनी जगह बदल दो ये कुर्सी है ना हमारी वाली इस पे विराजमान हो जाओ और क्या पर तुम कल तुम लोग बात बदली थी मुझे पता है ये लोग जब बात करे जैकेट वाली बात आई थी बात बदली थी क्योंकि हम समझते हैं चलो अरे ये सब ना मेरे पे कमेंट करती है लेकिन ऐसा बात बदल करेगी कि मुझे समझ नहीं आएगा सर आप भी तो कहते हैं दूसरे को क्यों नहीं यार ये ऐसी बात नहीं है जहाँ मैंने साथी घुस दिया तुरंत पूरी बात उगल देगी पता है पर मुझे जानना ही नहीं है कुछ बातें समझ में नहीं आ रही सिस्टम या आप सबको बहुत मजा मतलब इंटरजेजन जेड मतलब जूसामेन कितना बड़ा मुझे नाम है सेम ग्रुप अपोजिट साइड मतलब ट्रांस जैसा सेम ग्रुप अपोजिट साइड है और सेम ग्रुप सेम साइड बस यही लास्ट सेम ग्रुप सेम साइड सेम ग्रुप सेम साइड ये एनसीईआरटी तुम लोग रखे हो ना तुम लोग एनसीईआरटी रखे हो नहीं आज लाए हो ले चलना था स्कूल क्योंकि एनसीईआरटी के साथ आया हूँ ताकि तुम लोग का बोर्ड का जल्दी सब ले तो जाते हैं कहाँ को जीता है जैसे जैसे ले लो इधर आ जाओ।